टीम मैच कौन चला रहा है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जागो पाकिस्तान। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे तो बस देखते हैं हम इनको मारते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अपना मैच। कुछ करने के बाद मेरे फ्रेंड टीम में सारे मतलब लोग में जो होते हैं और बस यहाँ पे M24 के लिए चस्के चस्के के साथ खेलेंगे और देखेंगे आप यहाँ पे खानदानी शॉट और यहाँ पे दूसरी खानदानी छट्टा एंड दीपना। ओ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम M24 यूज करने वाले गाइड और ये देंगे हम बच्चे और यहाँ पे अगेन ये हमारे टीममेट हरामी होते हैं श्री नदी। बस जी यहाँ पे हम M24 यूज कर रहे थे और M24 के सच के देंगे और मतलब के एयर कम बहुत कम यूज होगी। यहाँ पे हमने इनको मारा पबजी लवर हमजा मेरी अमित जी बच गया बच गया। आई किलिंग स्प्री फॉर द ब्लू टीम। अमित जी अमित जी और ये दिया हमें खानदानी शॉट जैसे कि आपने देखी खानदानी शॉट क्या थी और ये हम घूम घूम के तो मारेंगे आप निकालेंगे हम ए यू जी देंगे शॉट पत्नी मरता ही नहीं है भाई क्या हडर हमी होती है और उसको भी देंगे हम हेडशॉट फकिंग हॉट। चल भाई निकल पहले फुर्सत में निकल 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 लॉले M24 ओह माय गॉड कैसे बच गए ये पीसी कैसे बच गया। तो ये देखो बांदर की तरह टप्पे भाई क्या ओ भाई बट्टा बांदर टप्पे भाई लैव इट लैव इट लैव इट ये गलत मारा मैं ये पैन दी सीरीज टैग 240 एमडी टैग पर की नाम है 24 और 11 24 हमारे हैं और 11 है जी हमारे एनिमल्स के और ओ ये क्या था 20 द फक तो ये कोई एम24 दो मैं फिर बताता हूं। अच्छा जी ये देखो ये देखो ये देखो हडर आर्मी है ये हडर आर्मी भाई हडर आर्मी हडर आर्मी चलो भाई चलो पहले अब ये लवर अब आ जाओ गलती हमारे और पोटी नहीं मेरे ची मेरे ची मेरे ची मेरे ची बोलो जा रही है और आई है ये और ओ भाई खानदानी हेडशॉट खानदानी हेडशॉट और ये भी सारे फोटो में निकल लॉल है बस सस्ती हम तो कर ही रहे ओए ओए कैसे नहीं मरा कैसे नहीं मरा मैं कैसे नहीं मरा भाई हमला कर दिया एनिमी वालों ने ओहो नहीं बहुत ही उम्दा मैच जैसे कि आप देख रहे हैं शॉट तो नहीं पड़ी पबजी लवर हमला को लेकिन और हम अच्छा मैच और कर चला रहे हैं ये नहीं आती हमें ओए ऐसे भी होता है और हम कुछ करेंगे नेट से लेने के लेकिन उम्मीद नहीं लग रही नेट से जाने वाले हैं अपने टीममेट ही मरने वाले हैं। ओ भाई मर गए ओ भाई बांदर आ गया नेट का था भाई क्या बांदर भाई ये बांदर ले यार ये देखो क्या बांदर टप्पे बांदर के टप्पे चेक करो भाई 38 टू किल्स और हमें मरा होता है विनर विनर चिकन डिनर विक्ट्री। तो गाइस सपोर्टिंग मी वीके एच यानी कि बाबा डाकू लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अब हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा अपना
रैंक पुशिंग गेम प्ले। तो जी हाँ, यहाँ पे हम अपनी रैंक करते हैं और रैंक तो होता है हमारे टीम में अभी के माफिया अभी के रैपर एच एंड एम टू फोर पंकर। तो हम जा रहे होते हैं लैम्बोर्गिनी पे, लैम्बोर्गिनी। तो यहाँ पे अभी हम हवा के अंदर हैं और लैंडिंग कर रहे हैं और लैंडिंग करते करते जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्वाड बढ़ सादा स्क्वाड है हमारे टीम में, लेकिन ये शायद आगे चला जाए, हम आगे पहुंच जाते हैं, हम आगे हो जाते हैं। ये तो इधर ही जा रहा है, देखते हैं क्या हालात वाकई आते हैं आगे। ये देखते दे रहे हैं और चलते रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखते हैं पाकिस्तान विद ट्रेथ पीके एच। हमारे साथ है जी वीके माफिया वीके रैपर एम टू फोर बंकर। तो अब हम यहाँ पे उतरते हैं और स्लो स्लो मोशन में इधर उधर रड़ते रड़ते जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं एक साइड कोने में, हम फ्लो करके उतरेंगे। उतरने के बाद ही मुर्गी लगाएंगे, अच्छी चिकन निकले ना। मेरे दिल दीवानी ओए रैपर अनी दे आ, वे माफर माफिया कुत्ती दे आ, वे रैपर अनी दे आ। तो ये मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे क्लैन के, वीके माफिया एंड वीके रैपर। एक हमारा यार है, यहस हमारा यार है वीके किंग। तो देखते हैं क्या हालत होगा, क्या कर रहे हैं। एक एंड एम सिक्स लूट करने के बाद अब हमारे एक बोट है, खानदानी बोट मारे और बहुत ही अच्छा उम्दा खानदानी एकेएम सप्रेसर। एक बोटो आया था और हमने एक बोटो को मार के अपना रैंक पुश किया और रैंक पुश करने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ रवा दवा होते और यहाँ पे हमारी फाइट होगी आई थिंक। सो एक क्लैन के साथ तो देखते रहिए और साथ जुड़े रहिए। और यहाँ पे आई थिंक बंदा होता है यहाँ पे फाइट लेना मुझे नहीं लगता कि ठीक है, इसलिए पहले सबसे पहले आप अपना जोन पुश किया करें। जोन पुश करेंगे तो आप जिंदगी जी सकेंगे, वरना आप कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। अच्छा जी, ये तो होगा। वाह, जोन के करीब आते आते यहाँ पे हो रही होती है फाइट, क्योंकि माफिया जी पंगा ले लेते हैं हमारे टीम अंदर। कोई बंदे हैं भाई, इस बंदों पे पिटा कर दिया। बस देखेंगे क्या हालत हुआ। पत्थर वाला बहुत 1 एचपी बच के कैसे इधर आगे बनने हैं। वाच आउट, मैं फटा हो गया यार, कहां भी था। अच्छा जी, पकड़ लेंगे, दो बंदे थे उसे नॉक कर लिए राइट साइड से, और इसको हम नॉक करने की कोशिश करेंगे। नहीं, रेव नहीं होता, दो हैं उठाने आ रहे हैं। ओ भाई, ओ भाई, ये बंदा इतना चानिंग से आता है ना, ओ माय गॉड। तीन नॉक एलपीसी, जितना मैंने इसको मारा है वही है खानदानी ऐसी। तो क्या कोई स्क्वाड है लग चपक के, मुझे तो पता खुद नहीं लगता क्या होता है। मैं सपरे देता हूँ लेकिन ये ब्रोकन वॉल पे जा बताएगा कहाँ है कोई लेंगे और लूट करने के बाद आगे हमारी लोकेशन पता ही नहीं कितने और हम इनकी यहाँ पे लूट करेंगे। लूट करके हम आगे अपने न्यू सफर की जानिब रवाना दवा होंगे। टपटप आगे फाइट है इधर ना आओ पीछे की जगह टी पी मैं मारूं तो डीपी 28 की मोस्टली तो 4 या 6 यूज करता हूं मैं।
एक्चुअली 4 ज्यादा से ज्यादा 6 सही है नाइस है मेरा किल मिल गया और 6 से ज्यादा हूं तो हमें 3x मिल चुका था तो अब हम जाएंगे यहां पे और यहां पे हमारा पिके रैपर और माफी हमारे किल निकालते हैं और यहां पे मैं भी पहुंचूंगा और बहुत ही उम्दा तरीके से इस बंदे को मैं नॉक करूंगा ये बहुत ही मतलब कि अच्छा खेल रहा होता है बहुत अच्छा स्प्रे होता है इसका बहुत ही खानदानी स्प्रे होता है बंदे का लेकिन ना 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 विके है यानी कि बाबा डाकू ना ना ऐसे कैसे बाबा जी हम भी यहीं पर लेट के मारेंगे बहुत हो गया मजाक ऐसे कैसे और मेरा किल गन और अब इसकी मौत बरहक होती है ना 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 ऐसे कैसे हमारे डेविल बी एल डेविल और यहां पे हमें मिलेगा 6x और हमें जाके हम आगे देख के एक्सप्लोड करेंगे इन भाई को मार के और इनका अभी एक टीममेट होता है हमारे इधर नंबर बहुत लो है बहुत आई थिंक नंबर 2 या नंबर 1 के पास इधर है नंबर 1 के पास बीएल जोकर होता है मैंने बीएल डेविल इधर है घर के पीछे बताएगा हम नेट से नॉक फिनिश करने के पीछे लेकिन यहां पे अपने बंदे को डाउन करने के लिए भी बहुत है बहुत ही आला पी जैक्स शिक्षक से हम लोग दोस्त हमारे तीन खेल हो चुके होते हैं तो देख रहे हैं आप ये घर वाले योहानी सिंह बादशाह करते ने घर हैं एश राजा बोला आते हैं अब 17 बंदे रह गए हैं थोड़ी सी रायती बात है मैं थोड़ी सी क्रॉप करता हूं वीडियो तो बिकॉज़ काफी लंबी होती है मैंने नहीं किया ऊपर स्मोक भी हुआ है रायती बात सेफ खेलना पड़ता है भाई तो किल इतना ज्यादा नहीं होते लेकिन हमें कौन चाहिए होता है चिकन चाहिए होता है बेसिकली तो यहां पे एक बंदा आएगा इस बंदा एक घर जो छुपा होता है मतलब स्प्रे देगा यहां से एक टीममेट ना नीचे आ चुका होता है साइड इधर हो गट्स के अंदर हेडशॉट वो पता नहीं मेरे ख्याल में बेचारा खड़ा होता है या चुप चुप रहा होता है लेकिन उसका हेड नजर आ रहा होता है तो इसके हेड पे सीधा ट्रैक में मारूंगा और ये हो जाएगा नॉक एंड फिनिश मार दिया टी एफ सी शानी पता नहीं होते हमारे भाई यहां पे बहुत लोग हो गया था एक्चुअली और नहीं मतलब फिनिश होते गेम नाइस जा रही है अभी अच्छा इनकी लूट करने के बाद मैं उठा लूंगा एम4 और एम24 करने के बाद अब हम जाएंगे अपने आगे सफर पे यहां पे बंदे रहते हैं गाइस यानी कि 4 हम होते हैं और मतलब टोटल 11 बंदे होते हैं छह बंदे अलाइव होते हैं और नॉक हुए ना यहां पे भी कोई बंदे होते हैं और ये हमें पीछे जोन में ही मर जाते हैं नॉक करके जोन में मरेंगे कोबरा डायनो हमारे यहां पे भी के माफिया निकालते हैं नॉक जो नए नए कोबरा नहीं सॉरी कोबरा डायनो तो बाबा जी ये पीछे वाला बंदा हो जाएगा अभी फिनिश टोटल जोन से और हम आगे रवा हो रहे हैं देखा वो पीछे मर गया था जोन से कोबरा डायनो तो बाबा जी यहां पे मतलब जो हमारा मैच बहुत अच्छा जा रहा था हमारे टीममेट भी बड़े खुश होते हैं अभी के माफिया जी ओ बताओ जी किने किल ने चलो जी ओए खुशियां चेक करो हमारे टीम के कितने मैच में किल हो गया हमारे रैपर भाई किल बहुत लोग जा रहे का था हमें सिर्फ पूरी गेम में एक वो दे दो बोर्ड का किल या बता दे दो बाकी सब तुम्हारे बेचारा ओ भाई बहुत नाइस किल वैसे तो अब हम आगे पुश कर रहे होते हैं यहां पे यानी कि 6 यानी कि 4 एक 4 अलग होते हैं एक अलग होता है कितने किल हैं पूरे सब 5 बंदे मेरे 2 और 4 हम 9 बंदे टोटल हैं 4 हैं मुझसे पूछ रहे होते हैं यहां पे भी कितने किल हैं मैंने इनको लिखता हूं कि 1 किल है एक जोन से खुशियां चेक करो हमारे टीम की खुशियां नहीं खत्म आगे बंदे अच्छा जी तो अब हम जा रहे होते हैं आगे भाई एक बंदा मुझे स्पॉट मिल होता है बहुत पहले से मैं उसको देख लेता हूं मतलब कि मेरी आंखें वैसी बहुत तेज है कि बंदा तुमसे नजर आया देखो ना मैं पहले स्पॉट कर लेता हूं अपने शिक्षक से मुझे पता लग जाता है ये आ रहा था और इसी बंदे को जो मैं नेट से मारता हूं ना और हालांकि चिकन हमारे हाथ में निकल चुका होता है और मेरे नेट से वो मरता है और हमें चिकन मिल जाता है चेक करना जरा अब इस बंदे को मैंने स्पॉट कर लेता हूं ये आखिरी बंदा रहता है अब ये पीछे वाले को मेरे टीममेट मार देंगे अब 4 4 भी स्कोर हो जाता है गाइस देखना ये इनको नॉक फिनिश करेंगे और यहां पे मतलब 2 बंदे डाउन हो जाते हैं नॉक होते हैं ये आखिरी बंदा होता है जो मतलब कि अच्छा बहुत अच्छा स्प्रे होता है इसका हमारे माफिया भाई प्ले जोन से जाते हैं और मतलब के सॉरी माफिया भाई नहीं कह रहा माफिया बने जोन से नॉक किया तो जोन से बंदा मर गया और यहां पे ये आखिरी बंदा भाई रहता है 1v4 यही बंदा जिसको मैं पहले सपोर्ट करता हूं और ये बंदा ना मुझे इतना मतलब कि नॉक कर देता है भाई नॉक कर देता है और ये चिकन ना पता नहीं कैसे होता देख रहा जरा नेट से मेरा मतलब अंदाजा होता है कि मैं नेट यहां करूं एक लेफ्ट राइट एक यहां पे मैंने नेट किया
और एक कर देता हूँ मैं यहाँ पे नेट, एक बंदा वो हमारा नोक कर देता है, ये मुझे भी नोक करेगा, और ये देखा खानदानी नेट कहते हैं इसको। यो अनी थिंग बादशाह पेश कर देने विकेट डाकू, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, उठो जागो पाकिस्तान, बाबा डाकू, स्टे विद अस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।